नमस्कार प्यारे बच्चों, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं कक्षा छठी में जो आज संस्कृत का पेपर हुआ है, इस पेपर की क्या आंसर की होने चाहिए, क्या इसके उत्तर होने चाहिए, इस विषय पर यहाँ हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए फटाफट आप लोग देख लीजिए, अगर आपका आज एग्जाम हुआ है तो आप देख लीजिए कि आपके पेपर में, संस्कृत के जो पेपर में कितने नंबर बनने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो पेपर है चार भागों में डिवाइड था, चार भागों में बटा हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे खंड का। खंड का में क्या है बेटा, एक पैराग्राफ आया था, इस पैराग्राफ को पढ़ना था, उसके बाद आपको क्या लिखना है बेटा, इसके उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहले एक पदेन उत्तरत में देखिए, कह श्रांतो भूत्वा निद्राम गतः, इसके उत्तर में बेटा आप क्या लिखोगे, सिंह। क्या लिखोगे, सिंह। जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा सिंह। अगला पैराग्राफ, अगला प्रश्न क्या है बेटा आपका, कह निद्रा भंगम अकरोत, तो उत्तर लिखोगे बेटा मूस कह। क्या लिखोगे आप, उसका उत्तर लिखोगे बेटा मूस कह। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया मूस कह। अगला प्रश्न क्या है आपका, भयाकुलो कह, उत्तर लिखोगे बेटा मूस कह। ठीक है, चौथा प्रश्न है केन दया प्रदर्शिता, तो उत्तर लिखोगे सिंहेनो। इस प्रकार जो है आपको एक पदेन के उत्तर लिखने थे। आइए अब देखते हैं कि पूर्ण वाक्य में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखिए का नंबर में, सिंहा कथम निद्राम गतः, शेर को नींद कैसे आई, तो उत्तर लिखोगे बेटा सिंहा श्रांतो भूत्वा निद्राम गतः, शेर को थकने के बाद नींद आ गई, यानी शेर थकने के बाद क्या हो गया, सो गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, प्राण रक्षार्थम कहा याचितवान, तो उत्तर में इसके क्या लिखोगे बेटा, मूस कहा। पूरा लिखना है प्राण रक्षार्थम मूस कहा याचितवान। ठीक है, इस प्रकार जो है आप इस प्रश्न का उत्तर दोगे। अगला प्रश्न क्या है बेटा, यथा निर्देशम उत्तरत, तो सबसे पहले देखिए तस्य निद्रा भंगम अकरोत, यहाँ पर आपको क्या बताना, क्रियापद बताना है और क्रियापद हमेशा अंत में होती है, तो उत्तर क्या लिखोगे बेटा, अकरोत। अगला देख लीजिए सिंघा, सिंह शब्द में कौन सा लिंग है, तो आप बताओगे इसमें क्या है बेटा, पुल्लिंग है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा नंबर, कोपेन शब्दे कहा विभक्ति, तो उत्तर बताओगे कि कोपेन में है तृतीया विभक्ति। ठीक है, और ये जो गद्यखंड है इसका शीर्षक लिखना था, तो आप लिख सकते हो सिंहस्य कथा अथवा मूसकस्य कथा। ठीक है, इस प्रकार जो है आप इसका शीर्षक लिख दोगे। अगला प्रश्न क्या है बेटा, एक चित्र आया था, चित्र को देख करके आपको क्या करने हैं, चार वाक्य बनाने थे, कितने वाक्य, चार वाक्य। तो आप देख सकते हैं, कई बार मैंने अपने चैनल में एक वीडियो बना करके डाला हुआ चित्र वर्णन की, यदि आपने देखा होगा तो आपके उत्तर बिल्कुल सही होने वाले हैं। ठीक है, पहला वाक्य क्या बना सकते हो, इदम चित्रम अस्ति, यह चित्र है। दूसरा क्या बनाओगे, इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। तीसरा वाक्य बनाओगे, चित्रे वृक्षाः सन्ति। और चौथा बनाओगे, चित्रे जनाः सन्ति। ठीक है, इस प्रकार जो है आप चार वाक्य बना सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, अगला प्रश्न क्या करना है आपको, क्या करना है बेटा, वाक्यों को मिलाना था। ठीक है, तो आपको देखो बेटा पता है अहम के साथ क्या आता है, आमी आता है, तो अहम नृत्यामि, छात्रौ गच्छतः। आगे देखिए बिल्कुल आसान है, अस्माकं पुस्तकानि सन्ति, तुम पठसी, छात्रा हसती। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बिल्कुल आमने सामने दिया हुआ है। ठीक है, आइए करते हैं बेटा प्रश्न संख्या चार। और प्रश्न संख्या चार में क्या करना है बेटा, आपको जो है विकल्प चुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखो बेटा, बालात अपि ग्रहीतव्यम, बालकों से भी ग्रहण करना चाहिए। अगला क्या है, सर्वे जंतवः तुष्यन्ति। ठीक है, अगला क्या है बेटा, काकः कृष्णः भवति। और चौथा क्या है बेटा, पुस्तके पाठः अस्ति। इस प्रकार जो है आपको इसके उत्तर लिखने थे। ठीक है बेटा, प्रश्न संख्या पांच देखिए क्या है, आपको क्रियापद लिखने थे, क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति। इस दूसरे में क्या लिखोगे, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। तीसरा है नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति। चौथा है बेटा गणयति गणयतः गणयन्ति। कितना आसान आया हुआ है ना। आइए करते हैं प्रश्न संख्या छह, जिसमें आपको अव्यय पद ढूंढ के लिखने थे। तो पहले में क्या लिखोगे बेटा, एकदा एकः नृपः आसीत। दूसरा है स्वः सोमवासरः भविष्यति। चौथा है, तीसरा, त्वं कदा विद्यालयं गच्छसि। और चौथा है, सर्वदा सत्यं वद।
ठीक है। इस प्रकार जो है प्रश्न संख्या 6 आपको करना था। अब देखिए प्रश्न संख्या 7, इसमें आपको संस्कृत में क्या करना है बेटा, संख्याएं लिखनी है। 48 को क्या कहते हैं, अष्ट चत्वारिंशत। 29 को नव विंशति भी लिख सकते हो और एको न त्रिंशत भी लिख सकते हो। 33 को क्या लिखना, त्रयस त्रिंशत। 19 को नवदस अथवा एको नविंशति। इस प्रकार क्या करना है बेटा, आपको संख्याएं लिखनी है। प्रश्न संख्या 8 क्या है, प्रश्न संख्या 8 को बेटा आप देखिए शब्दार्थ मिलाने हैं, ठीक है। गजह का अर्थ क्या होता है, हाथी। मम का अर्थ क्या होता है, मेरा। तव का अर्थ होता है, तुम्हारा। सा का अर्थ होता है, वह। और शौचिका का अर्थ होता है, दर्जी, ठीक है। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 8 भी हो गए। अब करते हैं 9वें प्रश्न को, जो कि एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ना है और उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न क्या है बेटा, कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्। तो आप देखिए लिखा ना 10 बालकाः, उत्तर क्या लिखोगे, 10 बालकाः, ठीक है। अगला देखिए, ते ततः ते कुत्र गताः। तो देखिए लिखा ना, ते तीरवा पारम गताः, तो आपको लिखना है तीरवा पारम, ठीक है। आगे देखिए एक पद इनका प्रश्न क्या है हमारा, तेषां नायकः किम अपृच्छतो। उनके नायक ने क्या पूछा, तो आप देखिए यहाँ लिखे ना, तेषां नायकः अपृच्छत अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णा। इस लाइन को आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा, बालकाः स्नानाय कुत्र अगच्छन्। तो आप देखिए यहाँ पर पहली लाइन आपकी क्या है बेटा, एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्, इसको आपको यहाँ पर लिखना था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है बेटा हमारा, यथा निर्देशम उत्तरम, ते अत्र वचनम किम। तो आप बताओगे बेटा यहाँ पर बहुवचन है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने द्विवचन भी लगा दिया तो ये भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। द्विवचन किसमें बनता है, स्त्रीलिंग में द्विवचन बनता है और पुल्लिंग में बनता है बहुवचन, ठीक है। आगे देखिए, तदा तेषां नायकः पृच्छत, यहाँ पर कर्तृपद कर्ता कौन है, तो उत्तर बताओगे नायकः, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 कर लेते हैं, जिसमें क्या है, एक श्लोक आया हुआ है, श्लोक को पढ़ करके आपको उत्तर देने हैं। गच्छन कह याति, तो उत्तर लिखोगे बेटा पिपीलिकः। जिस बच्चे ने पिपीलि को लिखा है वो भी सही है, ठीक है। कह पद में एकम न गच्छति, तो उत्तर लिखोगे बैन तेयः। अगर आपने लिख दिया बैन तेयो तो भी आपका आंसर सही है, ठीक है। पूर्ण वाक्य में देख लीजिए बेटा, गच्छन पिपीलिकः कुत्र याति, तो उत्तर बेटा पहली वाली लाइन आपको उतार देना है, आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है, कीदृशः वनतेयः न गच्छति, तो यहाँ पर आपको दूसरी लाइन उतार देनी है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए करते हैं यथा निर्देशम उत्तर। तो इसमें बेटा क्या है, का नंबर में श्लोके गरुणः, गरुण शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो आप बताओगे वनतेयः, क्या प्रयोग किया गया है, वैनतेयः। अगला क्या है बेटा, पद में एकम न गच्छति, यहाँ पर आपको क्रिया बताना है, क्रिया हमेशा अंत में होती है, उत्तर क्या लिखोगे बेटा बा यानी गच्छति, ठीक है। 11वें नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या यहाँ पर एक नाट्यांश दिया गया है, नाट्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देना है। कः सक्षमः, तो उत्तर देखिए यहाँ पर पूर्णः सक्षमः ना, तो उत्तर लिखोगे पूर्णः। वयम सर्वे किम मिला कम मिलामः, तो देखिए आखिरी पंक्ति में प्राचार्यम मिलामः, उत्तर क्या लिखोगे प्राचार्यम। अगला प्रश्न क्या है बेटा, अगला प्रश्न है हमारा किम न्याय संगतः ना, तो देखिए बेटा पहली ही पंक्ति में क्या लिखा है, अयम कथमपि न न्याय संगतः पूर्णः सक्षमः परम प्रबंधस्य अभावात् कीर्तुम् न शक्नोति, बेटा पूरी लाइन आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, अन्यथा समर्थानि कानि, तो उत्तर लिखोगे बेटा अनेकानि मित्राणि सन्ति वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानी, ठीक है बेटा, इस लाइन को आपको लिख देना है। इस प्रकार जो है ये प्रश्न भी आपके पूरे हो गए। अब देखते हैं यथा निर्देशम उत्तर। तो इसमें वयम शब्द में क्या बताना है, आपको पुरुष बताना है। आपको पता है अहम आवाम, वयम क्या है उत्तम पुरुष, क्या है बेटा उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न है बेटा, कथयामः में कौन सा वचन है, तो आपको पता है कथयामि कथयावः कथयामः में क्या है बेटा बहुवचन, क्या है बहुवचन। आगे है बेटा हमारा वर्णों को जोड़ने के लिए, तो आप देखिए जब इन वर्णों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा द्विचक्रिका, जब इन्हें जोड़ोगे तो क्या बनेगा पूर्यत, और जब इन्हें जोड़ोगे तो बनेगा शौचिकः,
और जब यहाँ जोड़ दोगे बेटा तो बन जाएगा विच्छेदम। आप नीचे भी देख सकते, लिखे ना वर्ण विच्छेदम, वही ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, कृषक को अलग अलग करने के लिए आपको ऐसे अलग करना होगा। ठीक है, स्वतंत्रम को अलग करने के लिए इन वर्णों से आप अलग कर सकते हो, खगा को अलग करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, हिमालय को अलग करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार इस प्रश्नों के सारे उत्तर हमने कर लिया है। आशा करता हूँ आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।